कोई 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 वो नहीं है इनका टारगेट। क्या टारगेट है इनको, दिख रही थी सामने हार अच्छी। नहीं हो देखो सकता। पहली बात तो इन्होंने परंपरा, सुनो विजय जी, अब तो देखो महत्वपूर्ण तो मुद्दे जिस पर चर्चा हो रही है ना, मैं चाहता हूँ उसी पर चर्चा हो, ना कि इधर उधर के तू तू मैं हो। उससे कोई अर्थ नहीं निकलता, ना तो जनता उसको पसंद करती है, भैया ना कि भैया टीवी को को समझा तेरा कि आज भैया पद पे रहने वाला दिन है, टीवी को आज बंद उधर की करते बातें नहीं करके नहीं चलता। करना। शुरुआत तो आप लोग नहीं कर करते देते तो हो, हम तो बातें इतना कराएंगे बाद अच्छा में, आप तो वातावरण था बोलते हैं लोकसभा का, इतना लाइन के अच्छा बाद, वातावरण था, लेकिन लाइन आपसे के बाद शुद्ध तो वातावरण तो कैलकुलेशन देखा ही है नहीं जाता। इस देश में सुंदरता तो आपको दिखाई देती नहीं है, बस आकर कंकर मारने का क्या काम क्या कर दो, क्या था एक उसके बार बाद है इनको विपक्ष। बोलवाना, जब अरे ये भैया बोलने से विपक्ष तो थक आपको गए इस ना बार तब मैं मैं कह रहा हूं आपको ना, अपने सुन करवाना। आप देखे जाइए। और विजय जी ये क्या कहेंगे, मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारे विपक्षी नेता ने कहा है ना कि हमारी इनसे प्लानिंग ही कुछ सुन और लो है, विजय धीरे जी, धीरे इनके रे अकेले मना, के धीरे साथ सब में कुछ डिपेंड हो, कर लो। धीरज रखिए, भविष्य के घर में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ये फड़फड़ाते रहते अरे हैं, हम भैया काम करके दिखाते हैं और आपको बता देंगे कि ये क्या छिपा हुआ था विपक्ष के मन में। अच्छा चलिए तो राजपाल जी। विजय जी मैं हाँ ये जी कह रहा था, मैं ये कह रहा था कल जब जी हमारे प्रधानमंत्री जी देश को संदेश दे रहे अरे थे, आप बहुत कह लिए, जनता अब कहने के सांसद लिए को हम आ बहुत गए, बोलती अब है, आप सुनोगे जनता और हम जो सांसद को कहेंगे वो ये बोलती करोगे। है कि सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के संसद के अंदर चर्चा करें, और चर्चा के दौरान उनका कोई प्रतिकूल या अनुकूल उसका रिजल्ट निकले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे भाई अभी हल्ला मचा रहे हैं, मेरे को बोलने नहीं दे रहे, ऐसे ही ये संसद में करते हैं अरे तो झूठ कि क्यों इनको बोलने वोट नहीं देंगे, देना है, इनके झूठ बिल नहीं पास नहीं बोलने होने देंगे, दे रहे, जनता ने हाथ ताकत उधर दी है, ढूंढ रहे हैं, हमें कागज हमें लटका आपके रहे झूठ हैं, को दबाने की ताकत दी है, सदन जनता ने सदन आशीर्वाद दिया है, को हमारे स्थगित अंदर विश्वास करवाना है। जताया है, इनका मजबूत यही विपक्ष का यही ये जो हमें दायित्व एजेंडा है, निर्वहन करने की इस वजह जिम्मेदारी दी से है, एक एक आपके सौ से सुनने के लिए ऊपर थोड़ा बैठे सांसद हैं, निलंबित किए थे, सुनोगे आप, और वो करोगे आप, संदेश तो आज सुनाएंगे भी हम, पिताजी ने आज भी कराएंगे बोला हम। है, वो बात तो आज भी बोली उन्होंने कि यदि कोई ठीक ढंग से आचरण नहीं करेगा संसद के अंदर तो उसको फिर से निलंबित किया जा सकता है। इनकी चाहे संख्या 99 हो जाए, बताना, सिर्फ अरे 50 रहे, निलंबित तो हमारे चाहे राहुल गांधी जी को 150 भी हो जाए, किया था, क्या हुआ, पूरा देश हंस रहा था, अभी भी राहुल होंगे गांधी जी को भी निलंबित किया था, वो फिर तो क्या अभी हुआ, भी चौबीस होंगे। घंटे के अंदर सब कुछ करके फ्री कर अभी दिया तुमने था, क्या अपनी हुआ, सोची मुट्ठी थी ना खानी अपना पड़ी थी लोकसभा मुंह पे, अध्यक्ष बनाने की, आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। अच्छा विपक्ष विश्वास ये कह रहा है, तोड़ना है ओपी हमें, जी, निलंबित बहुत कर देंगे, ओपी जी तो कोई विपक्ष तुम कह रहा आज है कि आप निलंबित उनका कर लीडर, देना आप चाह रहे उनका हो, लीडर आप जिसको निलंबित पप्पू कहा करने जाता है, बता वो रहे हैं, पप्पू चुनौती नहीं दे रहा रहा है, हूं नेता आपको, प्रतिपक्ष आप है वो, सांसद को निलंबित और करना तमाम जो पता आपके नहीं आपको कैबिनेट क्या पूछा मिनिस्टर होगा, हैं इसका उनसे मतलब ज्यादा आपको अहमियत जवाब रखता है, प्रधानमंत्री के बाद में सेकंड टू पीएम मान लीजिए उसको, और सबसे बड़ी बात है जो तमाम जो आर्थिक मामले हैं जिनको सरकार फैसले सुनाएगी उनके अंदर उसका नेता प्रतिपक्ष का महती इन्वॉल्वमेंट होता है, और फिर ऐसे आपने में कहीं आप क्या एक जनता आर्थिक जो चरित्र देखिए मामलों ना के जो कि हम फैसले निलंबित हैं करेंगे, उनको आप निलंबित करके सत्तापक्ष बताना, बिना नेता निलंबित करके प्रतिपक्ष यानी बताना, राहुल गांधी के सदन में पास करवा लेंगे, जो गतिरोध जो है या फिर वही गतिरोध देखने को मिलेगा। जी देखिए मैं ये कह रहा हूं विजय जी कि मोदी जी ने जब कल बोला था, पूरे देश के नागरिकों को संदेश दिया था कि सरकार जो चुनी जाती है वो चुनी जाती है मत से, और फिर सरकार चलती है सर्वमत से, जीतने के बाद में सब एक हो जाते हैं, ना उसमें कांग्रेस का कोई बसता है, ना उसमें कोई बीजेपी का कोई बसता है, 543 जो सदस्य होते हैं वो सदन के मेंबर होते हैं, और 543 जो सदस्य होते हैं ये वो माना था क्या का आपने, प्रतिनिधित्व करने ये वाले मानते होते थे क्या हैं। अरे आप, यार सुन लो ना, काल मैं में आपसे बात पूछ रहा क्यों हूँ, ये बकवास माना कर था रहे या हो, मानते थे क्या आप, लेकिन इस बार मानोगे आप, इस बार आपकी विजय जी इनका मजबूरी या है आप तो मानोगे, ऑडियो ऑडियो बंद कर दो, क्योंकि आदत से क्यों मजबूर कर है, दो बंद, मानेंगे नहीं। आपके कहने पे चलेगा टीवी चैनल, जो सार्थक आपके चर्चा कहने वो पे होने चलेगा नहीं दे टीवी रहे। चैनल। अरे भैया अब चलिए है तो आपके जमाने कि आपके इशारों पे मीडिया काम रवि जी, किया एक बार करती थी, यादव अब नहीं साहब को, चलेगी आपकी, यादव साहब को अब बात पूरी आपके कर पास लेने जो दीजिए, सामान आपका नहीं भी रहा मौका कि आएगा। आपकी रवि वजह जी लगेगी, एक बार यादव साहब अब को बात आदत करिए, से मजबूर हो यादव गए साहब हैं बोलिए विजय जी, बोलिए, उनकी यही आप यही आवाज यही बंद करके पहचान बताइए होती है, मेरी, बोलिए ये यादव साहब पहचान होती बोलिए। है जो आदत से मजबूर होते हैं, आदत से आवाज मजबूर हो बंद क्या कराइए आप आप, मेरी, नहीं आदत से मजबूर हो क्या, यादव अरे साहब अब बोलिए, मजबूत ये विपक्ष में बैठा हूं संसद, मैं, उसका नहीं धर्म ये का निर्वहन संसद कर रहा वाला, हूं, झूठ नहीं चलने दूंगा। चित्रण यहीं पे हो रहा है, ये संसद वाला चित्रण यहीं पे कर रहे हो क्या आचरण, आप संसद वाला संसद शुरुआत में ऐसे आपने करते की हो है, तुम लोग, शुरुआत आपने की इसीलिए है, तो आपने तो बड़ी निलंबित हुए नेतृत्व थे, बड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से आज शुरुआत की थी संसद की, लेकिन आपको वाले अध्यक्ष ने तो आकर जो शुरुआत की है ना उसका यही जवाब होगा और भुगतना पड़ेगा पूरे 5 साल, पहले बात तो 5 साल चलने विजय वाले जी नहीं हो, और चल भी गए गलती से तो वो कैसे चलोगे हम मैं भी बताएंगे। बात की अच्छा बात कर राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजपाल जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, विजय जी, राजपाल जी ओपी आपके जी ने, हाँ जी आप सुन पा रहे हैं, जी जी बताइए।
अभी ओपी जी ने आचरण की बात की तो मैं उसी पे एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। एक्चुअल में आज एक नई शुरुआत के साथ में देश को बहुत ही उम्मीदें थी कि जिस प्रकार का अहंकार और घमंड पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने दिखाया, और एक लेवल पे तो वो कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत की बात करने लग गए थे, तो उससे जब बाहर निकल के आए हैं तो ऐसा लगा था कि शायद वो उनके आचरण में कुछ बदलाव आएगा, वो थोड़े से डाउन टू अर्थ आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज ओम बिड़ला जी ने, अगर आपने आज लोकसभा की कार्यवाही देखी हो, तो एक प्रकार खड़े होके सांसदों को बिठाने के लिए जिस प्रकार की टोन का, जिस प्रकार व्यवहार किया, बहुत ही एक डिसरेस्पेक्टफुल तरीके वाला व्यवहार था, जिससे वही कहावत याद आ जाती है कि लेकिन बल नहीं गया, वो जो कड़ और वो जो धमक जिसके कारण से लोगों ने उन्हें, भारत के लोगों ने उन्हें सबक सिखाने के, अच्छा राजपाल जी आपसे नकार दिया यार, तुम क्या कहेगा दुष्प्रचार करते, किसने नकार दिया, वोट परसेंटेज देखिए कि तुम्हारी 470 जीत रहे थे ना, तुम्हारी तुम्हारी रस्सी जल की कुछ याद है क्या मेरे भाई, ओपी जी आपको 470 अरेस्ट कर रही है ईडी, तुमको अरेस्ट कर रही है, और तुम मुख्यमंत्री अपने पद सरकार चलाना चाहते हो जेल में, समय पे ड्राइवर सीट पे आपने बैसाखियों पे खड़ा कर दिया, तुम्हारी पार्टी से हमारी बात होगी मैं ये पूछना चाह रहा था कि सदन के बाहर आज बड़ी खुशी का माहौल था, खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी, और तमाम जो अपोजिशन के जो नेता थे, जो जो अपोजिशन के जो जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता हैं, उनका कहना था कि अब हमारा नेता खड़ा हो गया है और उसको अब सीधे पीएम मोदी को टक्कर देंगे, क्या उम्मीद है आपको, क्या इस तरह की बयान आई आ रहे हैं जिस तरह के प्रधानमंत्री से सीधे टक्कर लेंगे राहुल गांधी, और अब संविधान की रक्षा हो गई, अब मनमाने तरीके से फैसले नहीं होने दिए जाएंगे, और किसानों की बातें हैं उनको दबने नहीं दिया जाएगा, क्या आपको क्या सिनेरी हो, किस तरह चलेगा ये सदन, क्या हंगामेदार ये कार्यवाही करने का जो ये पुराना जो रवैया है उसी को अख्तियार किया जाएगा, या फिर जो बेस है, जो आधार स्तंभ है सदन का, जो सदन का पटल है, उस पर अपना पक्ष रख जो परंपरागत तरीके से रखा जाएगा नेता प्रतिपक्ष द्वारा। विजय जी देखिए, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका दायित्व होता है कि वो सदन की कार्रवाई एक बहुत ही निष्पक्षतापूर्ण वातावरण में सभी लोगों की बात सुन के एक अच्छे तरीके से निर्वहन करें,